तो हेलो वेलकम टू स्टार्ट सुजीत। तो भाई आज हम करेंगे बात एक ऐसे दिन के बारे में जो हुदाई का दिन है। जी हाँ सही समझे तुम लोग चू। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइन डे के बारे में। चला ये ऐसा फेस्टिवल है जो सिंगल्स को याद दिलाता है यहाँ बहन तो सिंगल है और कपल्स का पूछो ही मत क्योंकि उनका तो हुदाई का दिन है ही। चला इनमें से किसी ने गन्ने के खेत में बुकिंग की है तो किसी ने डिलक्स रूम बुक किया है, किसी ने केले के झाड़ को रिजर्व किया है तो बहन किसी ने वीआईपी रूम बुक किया है और निब्बा निब्बी का पूछो ही मत क्योंकि उनका काम स्टैंडर्ड रूम से चलेगा। चला यहाँ तक इन लोगों ने सुलभ शौचालय को भी बुक किया है। मतलब जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दो ताकि वो भी कहीं शांति से हिला पाए। पर नहीं इनको तो रिकॉर्ड बनाना है हुदाई का। और जो भी है मेरा काम है कपल्स की गांड मारना क्योंकि तुम्हारा भाई बजरंग दल से है और तुम्हारा भाई यानी मैं बजरंग दल से क्यों है ये पूछना भी मत मुझसे। अच्छा चलो बता ही देता हूँ बहुत दर्द भरी कहानी। तो चलो वैलेंटाइन डे की कुछ हुदाई की कहानी तुमको दिखाते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी बकचोदी के। तो भाई इस दिन तुम मान के ही चलो कि दो चीजें आउट ऑफ स्टॉक रहेंगी ही रहेंगी, पहला ओयो रूम्स और दूसरा डॉम अंकल। और जब कुछ कपल्स को ये सब नहीं मिलेगा तो उनका काम कैसे चलेगा मैं बताता हूँ। ये देखो बजरंग दल जल्दी से आओ यहाँ क्योंकि यहाँ हुदाई चल रही है वो भी खुल्लम खुल्ला। तो वहीं रोक साले में आ रहा। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल चप्पल छोड़ दिया। हम फर्स्ट। ए स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। और गाड़ी चला गाड़ी चला। ऐसा लगा मेरा मजाक। मतलब कतई ये मोल्टे का एक दोस्त को भी लेके चल रहा है सुरक्षा के लिए और हो सकता है कि इसकी भी बारी आए क्योंकि कोई भी दोस्त बिना किसी फायदे की हमारी हेल्प नहीं करता वो भी ऐसी बकचोदी में। पर अब क्या कर सकते हैं जब ओयो नहीं मिला तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना। और डॉ मंगल का मुझे पता नहीं क्योंकि हो सकता है कि पॉलिथीन से काम चल जाए। समझ रहे हो ना। वैलेंटाइन डे में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फूल बिकता है गुलाब का। क्या बिकता है? पटाखा बिकता है। पटाखा बिकता है? बहनचोद कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या बिकता है? गुब्बारा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. इसे कहते हैं ना जवाब। देखो भाई टेक्निकली ये अंकल ने एकदम सही कहा। अब डॉम अंकल आउट ऑफ स्टॉक है तो लोग गुब्बारा ही खरीदेंगे ना क्योंकि वो भी ठीक ठाक काम कर देता है। अब फरवरी में कुछ फालतू दिन आने वाले हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता और ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा है ही नहीं भाई, मेरे पास लंडी नहीं है। लंडी नहीं है मेरे पास। भाई रियाज अब तू कितनी बार सबूत देगा हमें कि तेरे पास नहीं है? मुझे तो लगता है कि ये लड़कियों को नहीं बल्कि लड़के इसको लेके जाते हैं ओयो। छे तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में बताओ और इस मनुष्य को हटाओ नहीं तो वैंसन मेरी वीडियो के भी बेइज्जती हो जाएगी। सलमान खान। तो भाई सलमान खान से एक रिपोर्टर ने पूछा वैलेंटाइन डे आने वाली है तो कुछ है आपकी प्लानिंग? तो बताया सलमान खान ने क्या जवाब दिया, तुम खुद ही देख लो। वैलेंटाइन डे से मेरा क्या लेना देना भाई? पता नहीं आज मुझे क्यों लग रहा है कि मैं सलमान बॉय की इस दुख को आज समझ सकता हूँ। मतलब एक ही बंदा तो है अपने लौंडा लासन इंडस्ट्री में जो साला अभी तक रंडवा है, मेरा मतलब सिंगल है, और उसके दुख को हम कैसे नहीं समझेंगे। हाँ वो बात अलग है कि सलमान बॉय चाहे तो पूरे ओयो कंपनी को बुक कर सकते हैं और घाट घाट का पानी पी सकते हैं, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, सो रिस्पेक्ट हिम। हगने गया था मोबाइल टॉयलेट में ही गिर गया। जो पिछले साल के वैलेंटाइन डे में हमारे भारत देश के कुछ हुनार लौंडों ने रिकॉर्ड बनाया एक दिन में 70,000 मोबाइल टॉयलेट में गिराने की। मतलब जय हो। मतलब कि मीडिया में भी नहीं आया था ये क्योंकि उनको पता था कि सब भोंसड़े वाले हिलाने गए थे और उसके चक्कर में खुद के लौंडे लगवा लिए। और इन्हीं सिंगल्स के लिए मैं कुछ नजराना पेश करना चाहता हूं। तो ये देखो साथ ऐसा ही होता है। शक्ल देखिए अपनी, तू एक नंबर का छूतिया है।
हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई लोग। हम सिंगल है एंड वी लव्ड इट। हम लड़के हैं और हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, पर पॉइंट की बात यह है कि हम लड़के हैं। शकल चाहे जैसे भी हो पर हम लड़के हैं। दिल चाहे जैसा भी हो पर पॉइंट की बात यह है कि हम लड़के हैं। हम गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली और यहाँ तक कि देश को संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक सिंगल बंदा चला रहा है, क्योंकि हम लड़के हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। ओके देन गाइस, आशा करता हूँ कि तुम्हारे वैलेंटाइन डे अच्छा जाए टॉयलेट में। और जाते जाते तुम मुझे ये बता दो कि इसकी हालत ऐसी किसने की, या फिर ये बताओ कि इस साबुन के साथ क्या हुआ होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ तो गाइस, आज की मधुरी यही खत्म करते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी, तो मजाक की तरह ही लेना। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, तभी तो तुम्हारे भाई की वीडियो चलेगी। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो के मधुरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय। नो, तूने ओयो बुक किया या नहीं? मालिक, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया।